ज्ञानवापी मामले में आज फिर होगी वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करेगा कोर्ट। ज्ञानवापी केस में दायर नई याचिका सिविल कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। याचिका पर 30 मई को होगी अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज मथुरा सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई। दोनों पक्ष अदालत में रखेंगे अपनी अपनी दलीलें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर, 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमला, गोलीबारी में टीवी आर्टिस्ट अमरीन की मौत हो गई। अमरीन का भतीजा हमले में घायल हो गया। बड़गाम आतंकी हमले की एलजी ने की निंदा, प्रति संवेदना भी व्यक्त की। कहा, हम आतंकियों को का तंत्र खत्म करना चाहते हैं। यासीन मलिक की सजा के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट पर, जेल में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में तिहाड़ जेल प्रशासन ने बैठक की। यासीन को कड़ी सुरक्षा के बीच अकेले रखा जाएगा, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। यासीन मलिक की सजा के बाद दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट, सुरक्षा एजेंसीज ने किया आगाह। गाड़ियों के सख्त चेकिंग के आदेश दिए गए। घाटी में तनाव बढ़ने के बाद सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। यासीन मलिक की सजा पर फैसले के चलते श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी की गई, प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। यासीन मलिक को सजा मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया सेलिब्रेट। जम्मू से सामने आई जश्न की तस्वीरें। यासीन मलिक को सजा पर जश्न का माहौल, जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया सेलिब्रेट। यासीन मलिक को आजीवन कारावास पर बोला पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने बताया काला दिन, कहा उसके विचारों को कैद नहीं कर सकते। विवेक अग्निहोत्री ने यासीन मलिक पर वीडियो शेयर किया, लिखा, हमने यासीन की मानसिकता समझने में कई साल लगा दिया। जो कोर्ट में उसने कहा वो सेक्युलर लॉबी को तमाचा है। पुणे से गिरफ्तार जुनैद को 3 जून तक हिरासत में भेजा गया, कश्मीर के आतंकी संगठन से फंडिंग का आरोप। आज हैदराबाद और चेन्नई में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई में 31,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला और शिलान्यास करेंगे। चेन्नई को आज बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1,152 घरों का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल पर बीजेपी का प्लान, 144 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रवास। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। केंद्र में आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे। 26 मई 2014 को पहली बार पीएम के तौर पर ली थी शपथ, बीजेपी ने की खास तैयारी। प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश, कहा अमृत सरोवर प्रोजेक्ट का नक्शा बनाना चाहिए। आज पेश होगा उत्तर प्रदेश का आम बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में खोलेंगे पिटारा, 6 लाख करोड़ का हो सकता है बजट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग। योगी ने एसपी अध्यक्ष को दी सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत, कहा खराब भाषा का इस्तेमाल मंजूर नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने सदन में कहा बीजेपी ने 5 साल में वादे पूरे नहीं किए, अगले 5 साल में क्या उम्मीद करेंगे। एसआई की भर्ती में किस तरह से खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर सरकार सख्त कतारों में लगकर, लोग कर रहे हैं अपना राशन कार्ड सरेंडर। दिल्ली के नए एलजी आज लेंगे शपथ, राजनिवास में होगा शपथ ग्रहण। दिल्ली दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से करेंगे मुलाकात। चंडीगढ़ में बीजेपी की ट्रेनिंग कैंप का आयोजन, बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल, 8 सेशन का होगा कैंप का आयोजन। कार्ति चिदम्बरम आज सीबीआई के सामने हो सकते हैं पेश, 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में होगी पूछताछ। समन के बाद कल भी हाजिर नहीं हुए थे। कार्ति चिदम्बरम की बढ़ी मुश्किलें, वीजा घोटाले मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। कार्ति चिदम्बरम का ट्वीट, कहा मजबूती से लड़ेंगे, ईडी और सीबीआई क्या करते हैं वो सबका देखा हुआ है। लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने मांगी लालू यादव की एफआईआर कॉपी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ रहा है मामला। आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने 8 जून तक पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में भेजा। पूजा सिंघल मामले में ईडी की कार्रवाई तेज, हेमंत सरकार के करीबी प्रेम प्रकाश को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर 30 मई को लखनऊ में होगी सुनवाई। दिल्ली दौरे पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, प्रधानमंत्री से की मुलाकात, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी। 6 राज्यों में उपचुनाव की तारीखें घोषित, 23 जून को उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में होने हैं चुनाव।
कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, एसपी के टिकट से राज्यसभा का नामांकन भरा। टाइम्स का नवभारत से कपिल सिब्बल की एक्सक्लूसिव बातचीत, पीएम मोदी के सवाल पर कहा दिल्ली अभी दूर है, धीरे धीरे आपको रणनीति पता चलेगी। कपिल सिब्बल बोले कांग्रेस से इस्तीफा दिया है पर किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, कहा मुझे कांग्रेस पार्टी या किसी नेता से कोई शिकायत नहीं। सांसदों की विदेश यात्रा के निर्देश, जहां यात्रा की जानकारी एमईए को देनी होगी, मंत्रालय से मंजूरी भी लेना होगी। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर वित्त मंत्रालय का बयान, कहा ग्राहकों को देना चाहते थे राहत, सरकार देख रही है ड्यूटी कट। वित्त मंत्रालय का बयान, कहा रुपया रूबल तंत्र से सस्ते तेल का आयात बढ़ाने पर जोर, रूस से तेल इंपोर्ट पर बातचीत जारी। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर राष्ट्रीय मानव आयोग कमीशन ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार को भेजा नोटिस, मांगी रिपोर्ट, औरंगाबाद और गया में 6 की मौत, 12 बीमार। अहमदाबाद में कोल्ड ड्रिंक में तैरती मिली छिपकली, शिकायत के बाद मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट सील कर दिया गया। ओडिशा के पारादीप में चोरी के आरोप में एक शख्स को ट्रक से बांधकर घसीटा गया, ड्राइवर गिरफ्तार, वीडियो वायरल। संभल में दो गुटों के बीच जमकर फायरिंग और पथराव, 5 लोग घायल हो गए, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अमरोहा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के अलीपुर में प्रिंटिंग प्रेस गोदाम में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 5 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी पकड़ी, 2 शख्स गिरफ्तार। मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा हुई, जहां सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस से भिड़े, पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई, जहां मानवाधिकार कार्यकर्ता को जेल से रिहा किए जाने की मांग कर रहे थे। मणिपुर के चुराचांदपुर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोले दागे, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई के माहिम रेलवे ट्रैक के पास महिला की बॉडी बरामद हुई, 8 घंटे में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, महिला के दोस्त को किया गिरफ्तार। भुज में हरामी नाला इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी फिशिंग बोट जब्त किया, तेज हवाओं से बहकर बोट के आने की आशंका, कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं होने का दावा। अलवर में प्रिंसिपल पति पर पत्नी का टॉर्चर, तवे से पति के पीटने का वीडियो सीसीटीवी में कैद, पति ने लगाई सुरक्षा की गुहार, कोर्ट ने पुलिस को दिए सुरक्षा और जांच के आदेश। उत्तराखंड के टिहरी में भीषण सड़क हादसा, NH94 पर एक बुलेरो खाई में गिरी, 6 लोगों की मौके पर ही मौत। कारगिल से श्रीनगर जा रही गाड़ी खाई में गिर गई, 7 से 8 लोगों के मौत की आशंका। गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शख्स को नहीं मिली एम्बुलेंस, बीमार पिता को 30 किलोमीटर कंधे पर लाद कर ले गया बेटा। सीएम भूपेश बघेल की सौगात, दंतेवाड़ा में बना नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए देश का पहला हब। मध्य प्रदेश में बेखौफ शिकारियों ने चीतल को गोली मार दी, इलाज के दौरान उसकी मौत। केदारनाथ यात्रा पर 4 और श्रद्धालुओं की मौत, 3 श्रद्धालुओं को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। बहराइच के करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शेर की मौत हो गई, वन विभाग जांच में जुटा हुआ है। गिर के जंगल का वीडियो सामने आया, तालाब पर पानी पीते दिखी शेरनिया, साथ ही खेलते दिखे शावक। तमिलनाडु के त्रिची में हाथी का 20वां बर्थडे मनाया गया, फलों की दावत रखी गई थी। असम के नौगांव में बाढ़ की स्थिति में सुधार, जल स्तर कम होने से लोगों को मिली राहत। अमरनाथ यात्रा को लेकर आईजीपी कश्मीर ने की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मौसम साफ होने के बाद फिर से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, 7,000 यात्री कर चुके हैं बाबा के दर्शन। दिल्ली में महंगी हो सकती ऑटो टैक्सी की सवारी, किराया संशोधन समिति ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 422 मामले सामने आए, 2 लोगों की संक्रमण से मौत। 19 देशों में फैला मंकी पॉक्स, अब तक 131 मामले आए सामने, 106 मामलों की जांच जारी, WHO ने दी जानकारी। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस, मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों पर खास ध्यान रखने का निर्देश। बीएमसी के एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर ने बताया मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है, कहा मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स का हल्का संस्करण है। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास, आज से बंगाल की खाड़ी में होगा अभ्यास। देश में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी कैप्टन अभिलाषा बराक, कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स की पूरी ट्रेनिंग की, जहां 36 पुरुषों के बीच जगह बनाने वाली इकलौती महिला है। काबुल में एक मस्जिद और मिनी बस में 4 विस्फोट, 14 लोगों की मौत, 22 लोग घायल।
काबुल में ब्लास्ट के पीछे आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली। ब्लास्ट में 14 लोगों की हुई थी मौत। यूरोप पहुंचने की कोशिश में मेडिटेरेनियन सी पार करते वक्त प्रवासियों की नाव पलटी। एनजीओ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। समंदर में बचाए गए प्रवासी दो अलग अलग लाइफ राफ्ट में सवार थे। ट्यूनिशियाई कोस्ट गार्ड को आते देख रेस्क्यू किए गए दोनों ने दोबारा छलांग लगा दी। पाकिस्तान में इमरान की रैली के समर्थन में उतरे कई संगठन, हिंसा की तस्वीरें सामने आई, कई इलाकों में हुई आगजनी। कराची में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन में आग लगा दी, जहां पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे। खारकीव में रूसी सेना ने की रिहायशी इमारतों पर गोलीबारी, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। खारकीव के मेयर ने कहा रूसी सेना ने कई गांवों को तबाह किया। रूस का यूक्रेन में हमला जारी, डोनेट्स के शहर में हमले के बाद तबाही का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के बोरोडियांका में लोगों के लिए घर बनाने का काम जारी, 350 लोगों के लिए बनाए गए 88 टेम्पररी घर। टेक्सास अटैक मामले में हाई स्कूल का छात्र गिरफ्तार, स्कूल के बाहर राइफल के साथ घूमता दिखा था। SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान, लॉन्च के लिए 59 स्पेसक्राफ्ट तैयार। साउथ कोरिया और अमेरिका ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, इससे पहले उत्तर कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। पेरू में मनाया गया क्लाउन्स डे, रंग बिरंगे कपड़ों में दिखे लोग, कोरोना के वजह से पिछले 2 साल से नहीं मना पा रहे थे त्योहार। बांग्लादेश श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, बारिश के चलते तीसरे दिन सिर्फ 51 ओवर का खेल हुआ, मैथ्यूज और सिल्वा की 50। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु क्वालिफायर 2 में पहुंची, एलिमिनेटेड में लखनऊ को 14 रनों से हराया एलिमिनेटर ने। 29 मई को रिलीज होगा लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर, आमिर खान आईपीएल फाइनल के दौरान इसे लॉन्च करेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग, रिलीज से 2 दिन पहले मूवी देखेंगे अमित शाह, डायरेक्टर ने दी जानकारी। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म अनेक 27 मई को रिलीज होगी, क्रिटिक्स को फिल्म के 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद। भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद बनारस पहुंचे कार्तिक आर्यन, फिल्म ने 5 दिन में किया 76 करोड़ का कलेक्शन। फराह खान ने करण जौहर के क्लोजेट का वीडियो शेयर किया है, कपड़ों का अंबार देखकर फैंस बोले घर में है या फिर मौत। तेजस्वी प्रकाश बनी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी, कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण को भी छोड़ा पीछे। रामगोपाल वर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, फिल्म मेकिंग के नाम पर पैसे लेकर वापस नहीं करने का आरोप। दर्शन कुमार का खुलासा, बोले द कश्मीर फाइल्स के बाद बदल गई लाइफ, जो लोग रोल नहीं देते थे अब लीड कास्ट करने को तैयार। और नागा चैतन्य की थैंक यू का टीजर आउट, एक्टर के स्वैग के दीवाने हुए फैंस।